Dear students, so in today's class we are going to study about binary arithmetic. This topic also comes under emerging domain in electronics engineering. और इससे पहले यानी कि यूनिट फोर का पार्ट है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है इसके पिछले वाले लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने बात की थी बाइनरी नंबर सिस्टम्स या टोटल नंबर सिस्टम्स के बारे में, कितने नंबर टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं और उनका कन्वर्जन। और जब बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर टोटल नंबर सिस्टम्स लाइक बाइनरी, डेसिमल और ये सब चीज़ों, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सब का एक दूसरे में कन्वर्जन सीखने के बाद हम बेसिक बाइनरी अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। एंड इन दिस बेसिक बाइनरी अर्थमेटिक्स हमें सिंपली बेसिक बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शंस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हरि मोहन राय, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कृष्णा जैन कॉलेज। सो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द हेडिंग, स्टार्ट द टॉपिक, बाइनरी अर्थमेटिक्स। सो इन बाइनरी अर्थमेटिक्स एज आई टोल्ड यू दैट हम लोग फोकस करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक्स में से सिंपली दो टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट वन शुड बी बाइनरी एडिशन, ओके, बेसिक बाइनरी एडिशन एंड देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, सो इन बाइनरी एडिशन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेसिक बाइनरी एडिशन का एक रूल पढ़ लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि व्हाट रूल डज इट एग्जिबिट्स, यानी कि कह सकते हैं कि अगर मैं एडर की बात करूं, यहाँ पे एडर्स क्या क्या हमें एडर करना है, इसके बाद अगर यहाँ पे एडिशन करने, दो को ऐड करने के बाद कुछ मुझे एडिशन आएगा, यानी कि एडिशन, और उसके साथ यहाँ पे कैरी आएगी। कैरी का मतलब भी यहाँ पे हासिल होना है, यानी कि हासिल को हम देते हैं तो उसको कैरी बोलते हैं और हासिल लेते हैं तो उसको बोरो बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम 9+1 टोटल कितना हुआ 10, तो 10 के लिए हम 0 लिखते हैं और एक हासिल जो होता है वो आगे वाले को दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 5 होता तो क्या होता, 9+1 10 का 0 और जो एक हासिल हुआ वो चला गया यहाँ 5 के पास, यानी कि 5+1 6, तो इससे टोटल हो गया 60। तो इसी तरीके से ये जो आपने हासिल दिया वो उसको हम लोग बोलते हैं कैरी। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जस्ट देखते हैं कि अगर हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड 0+0, तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो मेरा एडिशन भी 0 आएगा और कोई कैरी जनरेट नहीं होगी क्योंकि कोई अलग नंबर मिल नहीं रहा है। इस तरीके से 0+1 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन 1 आएगा लेकिन कैरी 0 ही आएगी। फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिशन 1 आएगा और कैरी 0 ही आएगी। लेकिन अगर 1+1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन जो होगा वो 0 आएगा एंड कैरी 1 आएगी। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है तो लेट मी मेक यू क्लियर। सिंपल में बाइनरी 1 और बाइनरी 1 को ऐड करते हैं तो मुझे 2 मिलना चाहिए, ठीक है, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं 1 और 1 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 0 मिलेगा। ओके, 1 0 मिलना चाहिए, 1 और 0 2, दिस इज द करेक्ट एडिशन बाइनरी में। ओके, सो लेकिन यहाँ भी वही मिल रहा है। आप देखिए 1+1 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो एडिशन मुझे मिला 0 और कैरी 1 मिला, कैरी का मतलब हासिल 1। अब अगर आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ एक और यहाँ पे कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 और 1 होता, यानी कि 3 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 3 में, यानी कि 1 1 3 होता है और इसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं तो कैसे होता, 1+1 का 0, क्यों 0, क्योंकि जैसे 9+1 यानी कि 10 के लिए 0 लिखते हैं और एक हासिल आगे चला जाता है, उस तरीके से 1+1 2 के लिए 0 यहाँ पे चला गया और जो कैरी बचा 1 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल वर्ड में 1+1 के लिए एडिशन 0 मिला और एक हासिल मिला, उस हासिल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यानी कि आगे वाले टर्म्स को मैं पास कर दूंगा। अब आगे वाला टर्म क्या बन गया, फिर 1+1 0 और फिर ये कैरी 1 जनरेट कर रहा है, तो ये फिर ये कैरी जो आगे वाले टर्म में चला जाएगा, आगे अब टर्म कुछ भी नहीं है तो ये कैरी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से क्या बना, 4। यानी कि 1 और 1 को जब हमने ऐड किया 1 के साथ, यानी कि 1 1 का मतलब हो गया ये 3 में हमने 1 ऐड किया तो क्या मिला, 4। यानी कि सिंपल वर्ड में कैरी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम एडिशन 0 मिल रहा है, नहीं, एडिशन हमें 1 0 मिल रहा है जिसमें 1 को हम एडिशन बोल रहे हैं, सॉरी 0 को एडिशन बोल रहे हैं और 1 को कैरी बोल रहे हैं। आई होप क्लियर है।
इट मीन्स दैट कि जो हमारा ये रूल है ये अप्लाई करेंगे बाइनरी एडिशन के ऊपर. उसी तरीके से सिमिलरली हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन का भी रूल देख लें और फिर जो है हम एक दो एग्जांपल इन सब पे करेंगे और हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होगा. तो चलिए सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो रूल है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वो भी देख लेते हैं. सो दिस इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर एक एक बाइनरी से दूसरे बाइनरी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा. तो लेट अस फाइंड आउट द रूल आल्सो. तो यहाँ पे रूल में बाइनरी रूल या सब्ट्रैक्शन रूल कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होगा, ये सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्टर्स होंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे जैसे एडिशन आया था यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, और साथ में कैरी की जगह पे यहाँ पे बोरो आएगा. दोनों को हम हिंदी में हासिल ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ हासिल हम दे रहे हैं. कैरी का मतलब कैरी करना, पास करना, और बोरो का मतलब लेना, किसी और से लेना. तो अब चलिए यहाँ पे भी रूल देख लेते हैं कि अगर जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन जीरो ही आएगा और मुझे कोई हासिल नहीं लेना पड़ेगा. अगर मैं वन में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी मेरा सब्ट्रैक्शन वन आएगा और कोई हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन जीरो मिलेगा और कोई हासिल लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जीरो में से वन नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, तो मुझे किसी और से हासिल लेनी पड़ेगी. यानी कि सब्ट्रैक्शन तो वन आएगा और हासिल मुझे वन लेना पड़ेगा. अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर मुझे जीरो में से या नाइन सब्ट्रैक्ट करना होगा, आप निगेटिव वाला चीज रूल को भूल जाइए. अब अगर बताइए अगर यहाँ पे जीरो में से नौ घटाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले डिजिट से हासिल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे पांच होता, पांच आगे वाले डिजिट में, तो क्या करते, फाइव में से एक हासिल लेते. और क्या होता, फाइव में से एक हासिल लेते तो ये पांच जो है वो मतलब यहाँ पे एक बोरो चला जाता और ये दस, वन जीरो बन जाता, टेन. तो टेन में से नाइन घटाएंगे तो वन, और ये पांच में से एक घटाएंगे चार, ऐसे होता है. यानी कि ये जो बोरो का मतलब हो गया कि बोरो मतलब एक हमने ले लिया पांच में से, अंडरस्टैंड. उसी तरीके से अगर आप जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जीरो में से वन के लिए कंडीशन ये है कि उसके आगे कोई डिजिट होनी चाहिए. नेगेटिव नंबर सिस्टम हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे अगर मुझे जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो में से वन, तो इसके आगे वाले डिजिट में कुछ नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वन नंबर है. तो अब जब आप बोरो लोगे, यहाँ से बोरो वन लोगे, तब ये वन जो है यहाँ आ जाएगा, ये वन जीरो बन जाएगा और ये बोरो यहाँ चला जाएगा. तो अब वन जीरो में से अगर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वन जीरो का मतलब टू हो गया. अब टू में से अगर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, और फिर ये बोरो वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा वन. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यानी कि सिंपल वर्ड में कि बोरो का मतलब हासिल लेना, और हासिल तभी हम ले पाएंगे जब इसके आगे वाले डिजिट, यानी कि जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके आगे वाले डिजिट इससे ज्यादा बड़ी हो. फॉर एग्जांपल के लिए जीरो जीरो वन, अब ये तीन, ये जीरो और इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंपल देखो जीरो में से वन नहीं जाएगा, यहाँ भी कोई वन नहीं है तो मुझे हासिल यहाँ से लेना पड़ेगा. तो ये जब हम हासिल लेंगे तो ये देखो जीरो में से वन जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, बोरो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि आप कहाँ से ले रहे हैं, इस नंबर से ले रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि जीरो में से वन गया वन, फिर वन में से जीरो गया वन, और लास्ट वाला डिजिट क्या बन गया, जीरो. तो सिंपल तरीके से आप मैच भी कर सकते हैं कि ये वन जीरो जीरो, यानी कि फोर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्री. चलिए कुछ हम इस पे एग्जांपल देखेंगे और क्लियर होगा. तो ये सिंपल आपको चीज ध्यान पर रखनी है कि जब हम बोरो लेंगे तो उस लास्ट डिजिट लेंगे से लेंगे जो कि वन एटलीस्ट होगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल नंबर वन. सो वन एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐड कीजिए दो नंबर को, ऐड 1010 बेस 2, यानी कि बाइनरी एलईडी है, एंड 0011 नंबर को बाइनरी के एडिशन में. तो सॉल्यूशन के तौर पे चलिए पहले रखते हैं इसको सॉल्व करते हैं. बेसिक बाइनरी एडिशंस है तो हमने क्या किया, 1010 इस तरीके से रखा, फिर 0011, और इन दोनों को हम बाइनरी एडिशन के थ्रू ये कर रहे हैं. बोरो जो हम जो भी सॉरी कैरी जो आएगा वो इसके ऊपर रखेंगे. ओके चलिए यहाँ पे जीरो में वन ऐड किया, वन मिला, कोई कैरी नहीं मिला. वन प्लस वन जब हम ऐड करते हैं तो टू मिलता है, यानी कि टू के लिए हम लिखते हैं 10, तो जीरो यहाँ पे आता है और कैरी आगे चला जाता है.
अब यहाँ पे 100 यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 सॉरी 101 एंड 1 में 0 ऐड करेंगे फिर 1 ही आएगा. ओके नाउ एंड द लास्ट डिजिट आल्सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 यानी कि ये मिला आपका 1101. चलिए मैच करते हैं. तो ये 1010 किसका बाइनरी एडिशन है यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 का, और 10 ये किसका है 11 और 33 का यानी कि 10 प्लस 3 को अगर हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए 13. अब मैच करते हैं, ये हो गया 1 2 4 8, 8 और 4 कितना हो गया 12 और 12 प्लस 1 13 आ रहा है. तो दिस इज योर ये यानी कि अगर हम नंबर को किसी भी तरीके से जोड़ें तो उसका समेशन सेम होना चाहिए, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी सेम ही आएगा. उस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ऐड थोड़ा सा कुछ बड़ा नंबर लेते हैं 1 1 1 1 0 0 1 1 बेस 2 को फिर हम ऐड करना चाहते हैं एंड ये भी कुछ बड़ा लेते हैं. कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी हम 8 डिजिट लेते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 8. ओके एंड दिस बिकम ये भी बेस 2. तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं इसका एडिशन. तो जस्ट लुक इट आउट हियर, अब हमें क्या करना है, ये 1 1 1, 4 1 है फिर 0 0 और फिर 2 1 है, और यहाँ पे ये 4 1 और फिर बाकी सारे 0. अब हम यहाँ पे एडिशन शुरू करते हैं दोनों का प्लस, और जो भी कैरी आएगा इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो 1 और 0 का एडिशन 1 1 एंड 0 का एडिशन 1 0 0 का एडिशन 0 0 0 का एडिशन 0. अब यहाँ पे आते हैं 1 एंड 1 का एडिशन 0 कैरी 1. अब यहाँ पे 3 1 आ गया, देखना 1 और 1 को हम ऐड करेंगे, 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो एडिशन 0 आना चाहिए. यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस 1 को ऐड कर 0 और कैरी 1 आगे चला जाएगा, isn't it? So, and फिर 0 प्लस 1 को ऐड कर देंगे. फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो 1 प्लस 1 को ऐड किया, पहले दो टर्म ऐड कर रहा हूँ तो 0 और कैरी 1 इधर चला गया, अब फिर 0 और प्लस 1 को ऐड किया तो 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि 1 1 1 को ऐड करोगे तो डायरेक्ट क्या होगा 1 एंड कैरी 1 आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो वंस अगेन आई रिपीट कि क्योंकि 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 के लिए क्या होता है 1 1, यानी कि 3 को अगर आप ऐड करोगे तो एडिशन 1 आएगा एंड कैरी 1 आएगा. बट सिंपल वर्ड में 1 प्लस 1 के लिए 0 कैरी 1 0 प्लस 1 1. अब फिर यहाँ पे भी 3 1 आ गया तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं या एडिशन से भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1 का 0 कैरी 1 फिर 1 0 प्लस 1 यहाँ पे 1, यहाँ भी 3 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एडिशन 1 आएगा और कैरी 1 चला जाएगा इधर. अब यहाँ पे इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है ना कुछ, तो जस्ट ये जो कैरी है जो लास्ट में सबसे लास्ट में आई है वो एज इट इज यहाँ पे वापस आ जाएगी. दिस इज योर एडिशन. ओके सो अब एडिशंस के बाद, क्योंकि एडिशन ऐसे बेसिक्स कुछ खास ज्यादा ये नहीं है, अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के पास. तो एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 3. तो अब सब्ट्रैक्शन में लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी निगेटिव सब्ट्रैक्शन या दूसरा सब्ट्रैक्शन नहीं सीख रहे हैं, उसके लिए हमें आगे कंप्लीमेंट में पढ़ेंगे. तो चलिए सब्ट्रैक्शन का देखते हैं हम लोग. तो इन सब्ट्रैक्शन लेट अस यूज 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. कोई नंबर है 10101 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे नंबर को 00111. ठीक है, ये 325, ये भी 325 है इस तरीके से. अब इसको हम सॉल्यूशन देखें और इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं. बस एक ही केस में कंफ्यूजन हो सकती है, उसको हम दो एक आध बार करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ खास नहीं है. तो 10101 में से 00111 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके फिर बोरो को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, 1 में से 1 गया 0, कोई बोरो की जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखिए 0 में से 1 लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा, और इसके जस्ट जो सबसे बाद में 1 होगा वहां तक बोरो चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हमने बोरो ले लिया. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 0, और फिर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड बोरो 1. लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे 0 है तो 0 से तो बोरो ले नहीं सकते, तो ये बोरो जो है यहाँ से आएगा सबसे लास्ट वाले डिजिट से, यानी कि सबसे लास्ट में क्या है 1 है, तो यहाँ से 1 बोरो लेंगे हम, इस ये भी 1 हो जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे 1 अब में से ये 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1, और ये 1 में से 1 चला जाएगा 0. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं,
और इसको आपको सॉल्व कराने के लिए या इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे मैच किया था 21 में से 714 आना चाहिए। बट एनीवे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे जीरो में से जितना भी पहले जीरो हो, देखो यहाँ से अगर इसमें से आपको सिर्फ वन सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, जीरो में से वन लेंगे वन, और ये बोरो सब के ऊपर चला जाएगा क्योंकि हासिल हम सबसे लास्ट डिजिट से ले रहे हैं, तो ये बोरो जो है यहाँ से लेंगे हम, यानी कि सबसे लास्ट वाले डिजिट से। तो क्या बनते जाएगा, देखिए ये वन 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 और लास्ट वाला डिजिट बन जाएगा जीरो। उसी तरीके से अगर आप जीरो जीरो वन, ये तीन ये है और यहाँ से वन सेपरेट कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि मुझे बोरो सबसे लास्ट में जो वन है वहां से लेना पड़ेगा, यानी कि बोरो यहाँ से आएगा, यहाँ हासिल यहाँ से लेंगे, ये वन हासिल ले लिया, ये हासिल वन ले लिया और ये आपका वन जीरो बन गया, तो ये वन, फिर इसके बाद ये वन और ये वन वन जीरो। अंडरस्टैंड, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही कंफ्यूज होने से आप बचिए कि आपको बोरो जो हासिल जो लेना है वो जो जीरो के बाद जहां भी वन डिजिट है, जीरो के जस्ट बाद वन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे जस्ट बगल में वन चला जाएगा। जीरो के चार पांच छह बाद अगर वन है यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ से आप हासिल लूंगा तो यहाँ से बोरो आएगा, यहाँ से यानी कि लास्ट वाले डिजिट से, तो ये सब के ऊपर हम बोरो यहाँ पे, क्योंकि हमें सबको सबट्रैक्ट करना है, तो ये तो वन आ ही जाएगा, बाकी सारे यहाँ पे वन उतर जाएंगे और लास्ट में वन एंड वन जीरो। बहुत सारे आप वीडियोस या बुक्स में देखेंगे तो इसको ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, लेट मी शो यू ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि हम यहाँ से बोरो लेते हैं तो ये वन जो है ये सबके ऊपर चला गया, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ भी वन हो गया, यहाँ भी वन हो गया, यहाँ भी वन हो गया, इस तरीके से इसको हम जीरो डायरेक्टली जीरो दिखा देते हैं और सबको वन 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 दिखा देते हैं। बट मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ताकि आपको जब सब्ट्रैक्ट ही करना है तो बोरो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ताकि आपको सब्ट्रैक्ट करने में तो हमेशा ये जीरो आ ही जाएगा लास्ट डिजिट, तो जब बोरो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट डिजिट से, तो अपने आप लास्ट डिजिट वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सम अनदर एग्जाम्पल ताकि आपकी कंफ्यूजन को हम दूर कर सकें, अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो। चौथे नंबर में सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 20, 15 बेस 10 फ्रॉम 20 बेस 10 यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले 15 के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूशन में सबसे पहले 15 के लिए जो 15 है इसका हम बाइनरी लिखेंगे, यानी कि इसका बाइनरी। तो मैं बाइनरी लिखने का रूल पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जैसे आपका 15 है यानी कि 16 से पहले है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, जो कलर मुझे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 2 4 8। अब इनमें से किसको किसको ऐड करूंगा ताकि मुझे 15 मिलेगा, और मैं यहाँ तक 16 तक लेके चलता हूँ ताकि मुझे 20 का भी एक ही साथ लिख दें। तो आप देखिए यहाँ पे किन किन को मैं ऐड करूंगा ताकि मुझे 15 मिलेगा, तो मुझे 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 8 15, यानी कि इन चारों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। सिमिलरली 20 का बाइनरी आप कन्वर्ट कीजिए तो 20 के लिए 16 और प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 ये बन गया आपका 20 और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि पहले 20 को लिखेंगे क्योंकि 20 में से बड़े में से छोटे घटाना है, छोटे में से बड़े अभी घटाना हमने नहीं सीखा है, आगे वाली क्लास में हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो ये 1 1 1 1 0, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्शन देखिए, यहाँ पे जीरो है ठीक है, तो जीरो में से वन जाएगा वन, और कैरी बोरो जो है वो कहाँ से लेके आएंगे, इसके जस्ट बगल में वन नहीं है, यहाँ वन है तो वन वन ये हो जाएगा बोरो। अब देखिए यहाँ पे वन में से वन जाएगा जीरो, फिर अब यहाँ पे क्या हो गया वन, तो वन में से वन गया जीरो, जीरो में से वन गया वन एंड बोरो वन। अब देखिए बोरो वन कहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा, यानी कि यहाँ भी वन यहाँ भी वन, अग्री। सो वन में से वन गया जीरो और फिर यहाँ पे वन में से वन गया जीरो, आपको आंसर क्या मिला, ये देखिए 101 यानी कि 4 यानी कि 4 प्लस 1 5, तो क्या 20 में से 15 किया हम लोगों ने, मिला आंसर 5। सो दिस इज द वे, यानी कि बोरो वाला जो कॉन्सेप्ट है जहां में से जीरो में से वन घटाना है उसमें बिल्कुल आप क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि जब जीरो में से वन घटाएंगे तो नहीं घटेगा जब तक निगेटिव हम सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं। सिंपल जीरो में से वन नहीं जाएगा, जीरो में से वन घटाने के लिए आपको इधर कम से कम कोई बड़ी इससे बड़ी डिजिट होनी चाहिए, यानी कि वन।
तभी जाके जब हम कहते हैं कि जीरो में से वन घटाए तो यहाँ पे वन आया और बोरो वन, यानी कि हासिल वन लिया और यहाँ पे उसका आंसर वन आया। जब हासिल वन लिया तो ये जीरो हो गया, यानी कि देखिए इसका मतलब ये हो गया टू में से वन घटाया आपने, यहाँ पे वन मिला। उसी तरीके से अगर हम बात करें थ्री वन वन थ्री नहीं सिक्स कर लेते हैं, अब सिक्स में से वन घटाने की कोशिश करते हैं तो देखिए सिक्स में से जब वन घटाएं जीरो में से वन लेंगे वन, क्योंकि इसके बाद एक इससे बड़ी डिजिट है तो यहाँ बोरो वन आ जाएगा, इजंट इट। तो फिर वन में से वन गए जीरो और ये वन एज इट इज आ जाएगा फाइव। तो कोई भी नंबर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे कि जीरो में से वन तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब उसके बाद चाहे दस बाद पांच बाद या जस्ट बाद उससे बड़ी डिजिट होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड बाइनरी एडिशन। आई होप कि ये छोटा सा बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है आप लोग इजिली समझ में आया होगा, और इस पे ऊपर अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बाइनरी या कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का यूज करके ही हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि बड़ी छोटी नंबर में से बड़ी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।